अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? ओके, कैमरा जो है फॉगी हो गया। अच्छा भाई, तो मैं भी आया हुआ सिटी वॉक पे। ये जो है वो इस वजह से मशहूर है क्योंकि एक तो यहाँ पे जो है वो कार्स बहुत ज़्यादा अच्छी आती हैं, दैन सेकेंड वन इज़ कि यहाँ पे जो है ना लाइट कहाँ से अच्छी आ रही है। हाँ, और यहाँ पे जो है वो मैं तकरीबन जो है वो 5 साल बाद आ रहा हूँ, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो क्या क्या चेंजेस आई है, क्या क्या चेंजेस नहीं आई हैं। थी वहाँ पे अब जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो ड्राइव थ्रू बना दिया गया, तो थोड़ा सा पार्किंग का मसला आएगा, अदरवाइज़ जो है वो जगह बड़ी हैपनिंग है। तो अंदर जाते हैं, देखते हैं कि अंदर के क्या सीन्स चल रहे हैं। अच्छा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पहले हम लोगों ने जो पार्किंग जो लगाई थी वो यहाँ पे पहले पार्किंग होती थी, लेकिन अब जो है वहाँ पर यहाँ पर साहा वालों ने अपने वैक्सीनेशन ड्राइव थ्रू बना दिया है। जैसे हमारे कराची के अंदर जो है वो वैक्सीनेशन ड्राइव थ्रूज़ बने हुए होंगे, ऐसे यहाँ पे भी जो है वो साहा वालों ने वैक्सीनेशन ड्राइव थ्रू बना दिया, लेकिन पहले यहाँ पे पार्किंग होती थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, जब मैं पहले यहाँ पे आया हुआ था तो यहाँ पे जो है वो गेम्स वगैरह बने हुए थे, अंदर जो है वो गेम्स वगैरह आप खेल सकते थे, और एक पूरा जो है वो गेमिंग सेशन बना हुआ था। तो आई डोंट नो कि वो अब ख़त्म कर दिया जाएगा। और इस सेंटर के अंदर जो है यहाँ पे फाउंटेन शो होता है, उस तरफ फाउंटेन शो होता है, लेकिन यहाँ से जो बुर्ज खलीफा का जो व्यू आता है ना, कहाँ से आता है? ये यहाँ से, इट्स समथिंग अमेजिंग। यहाँ से जो है वो पूरा बुर्ज खलीफा का व्यू आता है, और ये पूरा जो है सिटी वॉक बना हुआ है, यहाँ पे शॉपिंग्स वगैरह जो है वो सारी चीज़ें भी जो है ना आप कर सकते हैं। चले इसमें, चले कराची से लाहौर चलते हैं इसमें। तो ये जो है वो पब्लिक एरिया बना दिया कि फ्री में आप जो है वो यहाँ पे सोकर्स और टेबल टेनिस वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे खेल सकते हैं। पहले यहाँ पे नहीं था, लेकिन अभी जो है वो यहाँ पे आप फ्री में जो है वो ये सारी चीज़ें अवेल करके खेल सकते हैं। तो ये जो है वो थोड़ी हैपनिंग जगह आएगी, यहाँ पे आप अगर आप जो है वो आके यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह खिंचवा सकते हैं, कि जैसे कि आई लव दुबई हो गया, ये पीछे जो क्रिएचर्स हैं इसके पीछे जो है वो पिक्चर्स वगैरह जो है वो यहाँ पे खिंचवा सकते हैं। एक ये जो है ये चीज़ बड़ी प्यारी लग रही है भाई, अमेजिंग। और वहाँ पर जो है वह थोड़ा कॉन्सर्ट चल रहेगा, तो अभी जो है वो यहाँ से जाने का टाइम हो गया है, और अब देखते हैं कि आगे किधर जाना है और कौन सी चीज़ जो है वो एक्सप्लोर करनी है। ऑलराइट गाइस, सो अभी जो है वो हम लोग सिटी वॉक से JBR नहीं काइट बीच की तरफ आए हुए हैं, और यहाँ पे जो है वो क्या एटमॉस्फेयर रहेगा, लिटरली इस जगह जो है वो मेरी यहाँ पे सारे स्केट्स बोर्ड्स वगैरह जो है वो सारे बच्चे वगैरह ये सारे सीख रहे हैं, एंड देन इस जगह जो है वो सब प्ले एरिया बना हुआ आएगा, और हाँ यहाँ पर आप खेल सकते हैं। अच्छा भाई, ये समझ ले कि जैसे कि ये जो है वो CVO वाली साइड है, और ये सारा जो है वो CVO का एरिया आएगा। यहाँ पे जो है वो खूबसूरत सा जो है वो डाइनिंग और बार्स वगैरह जो है वो बनाए हुएंगे, एंड देन यहाँ पे जो है वो बच्चों का प्ले एरिया वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई गई। मतलब अगर हम लोग चाहें तो CVO पे जो है वो इस तरीके से कोई अरेंजमेंट जो है वो ना कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो एवरीवन इज़ प्लेइंग वॉलीबॉल, ज़्यादा यहाँ पर वॉलीबॉल जगह है। मतलब यार आई रियली विश के कराची में भी जो है ना कुछ इस तरीके से जो है ना वो इंजॉयमेंट के लिए चीज़ें बनाएं। अल्लाह करे कि ये बात जो है वो कोई सुन रहा हो, और इस तरीके से जो है वो CVO पे एक मखसूस जगह बना दें जहाँ पे लोग जो है वो खेल सकें, और यहाँ पे जो है वो पूरा जो है ना एरिया ये बच्चों के लिए मखसूस किया हुआ है जस्ट प्ले के नाम से। अच्छा भाई, इस बीच पर जो है गाइड बीच के ऊपर बेसिकली जो है वो यहाँ पर बहुत सारी जो है वराइटीज़ में जो है वो आपके
आपको पुश किया जाता है कि आप जो है फिटनेस की तरफ आए। सारी जितनी भी आप जो यहाँ पे जो ब्रांडिंग देख रहे हैं यहाँ पे पीछे सब जो है वो सारी ब्रांडिंग जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आपको यही पुश कर रही है कि आप जो है अपनी फ़िटनेस की तरफ आएँ। और बेसिकली अभी यहाँ पे अगर आप जो है वो शाम में आएंगे तो यहाँ पे ऑल द वे फ्रॉम द सारी जगह पे जो है ना वो काइट्स वगैरह जो है ना वो आपके नज़र आएंगी। सो इस वजह से इस बीच को जो है वो काइट बीच कहा जाता है। आप जुमेरा पे जो है वो कहीं भी आप अपने गूगल मैप में जो है वो काइट बीच इंटर करेंगे तो आप आसानी से जो है ना वो यहाँ पर आ सकते हैं। Alright guys, that's it, that's our vlog. I hope कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और जस्ट अभी जो है वो घर निकलना है क्योंकि मैं लिटरली जो है ना वो शाम से घूम रहा हूँ। और यहाँ पर जो है ना वो मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर आप कोई भी एक टर्न जो है ना वो भूल जाते हैं ना तो लिटरली आपको पूरा घूम के आना पड़ता है। इस वजह से मैं 2 से 3 टर्न जो है ना वो अबू जो है ना वो भूल गए काइट बीच के आने के लिए। तो मुझे जो है वो यहाँ पर जो यहाँ पर मुझे 10 मिनट में पहुँचा था मैं जो है वो तकरीबन 45 मिनट्स में पहुँचाऊँगा। तो ऑलराइट, तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल मिलते हैं फिर एक नए से अच्छे से ब्लॉग में। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।